नमस्कार, दूरदर्शन राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम ग्रामीण विकास का आधार पंचायती राज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रामीण थे वो गांव के जो बुजुर्ग जो श्रेष्ठ वयोवृद्ध लोग होते थे उनकी सलाह से अपना कार्य किया करते थे और यही पंचायती राज का एक आदिम रूप था। मगर धीमे धीमे इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, कई सारे रिफॉर्म्स आए और इसको सशक्त बनाया गया और आज ये एक बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम है। किस तरह से ये जर्नी तय हुई, किस तरह से पंचायती राज को आज हम विकास का आधार कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे स्टूडियो में आई हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर डेजी शर्मा से। डॉक्टर डेजी शर्मा वाइस प्रिंसिपल महारानी कॉलेज एवं सहायक आचार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर डेजी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंचायती राज है वो इतना स्ट्रांग है और इतना इम्पोर्टेंट है कि 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा, क्या ऐसा कारण है कि 24 अप्रैल को ही हम ये दिवस मनाते हैं? एक्चुअली मैम, 24 अप्रैल 1993 को जो हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन है 1992 का, जी, वो लागू किया गया। इस दिन मैं कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो गांव में बसता है, तो गांव में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास लोकतंत्र की भावना को प्रत्यक्ष रूप से लाया गया। आप देखिए कि ये जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, इसने ये सुनिश्चित किया कि अब देश के हर गांव में एक पंचायत की स्थापना हो गई। पंचायती राज को पूरे भारतवर्ष के पूरी संघीय सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जो मान्यता थी वो इस संवैधानिक संशोधन ने दी, और उसके बाद ये निश्चित हो गया कि अब भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का खुद विधाता बनेगा। वो अपनी जो भी मसले, जो भी मुद्दे उसके जीवन के साथ संबंधित हैं, उनका निर्णय की भूमिका में, उसके साथ नीति निर्माण की भूमिका में उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी जो है वो इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सुनिश्चित की गई। इसलिए ये जो दिन है ये हर प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे हर एक भारतवासी को अपने जीवन के निर्णय करने की जो क्षमता है और जो अधिकार है वो मिलता है। जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों की सरकार होती है, तो इससे वास्तविक रूप से गांव के लोग जो अभी तक सत्ता से, जो अभी तक बहुत सारे अधिकारों से वंचित थे, उनको डेवलपमेंट की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया और उनको ये एहसास दिलाया कि भारत के नागरिक होने के नाते उनके क्या अधिकार है और किस तरह वो अपनी सजग भूमिका भारत के निर्माण में निभा सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि सशक्त भारत के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो 73वें संवैधानिक संशोधन ने निभाई और 24 अप्रैल को ये लागू हुआ, इसलिए इसे पूरे भारतवर्ष में हम पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, ये बहुत ही, अरे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे जो गांव हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं देश का जो विकास है या विश्व का जो विकास है वो गांवों से, बल्कि किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। तो अगर एक किसान और अगर एक गांव सशक्त है, खुशहाल है, तो वो देश भी और वो विश्व भी बहुत ही खुशहाल और सशक्त होगा। तो जब हम बात करते हैं इस तरह के विकास की, हम ये जानते हैं कि जो आपने बताया कि इसका इनकॉर्पोरेशन 24 अप्रैल को हुआ, और ये एक हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को इसको यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज के होने की घोषणा की गई। तो इसके बारे में हम आप थोड़ी और जानकारी दें। एक्चुअली मैम, पंचायतें शुरू से भारत के जो इतिहास है उसका गौरवमयी हिस्सा रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि सरकार, जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, एक ऐसा भारत का निर्माण करने के लिए जिसमें हर एक व्यक्ति गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके, ये महसूस किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करे, तो उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के रिव्यू के लिए 1957 में एक कमेटी का गठन होता है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी पंचायती राज के लिए नहीं बनी थी, बनी तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्सटेंशन प्रोग्राम के रिव्यू के लिए थी, लेकिन इस कमेटी ने अपने पूरे रिकमेंडेशन में एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता और बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो दी है वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, कि अगर हमें भारत में सही रूप से विकास करना है तो हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करते हुए भारत के सबसे निचले पायदान, भारत के सबसे निचले स्तर यानी कि गांव में लेके जाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास तीन स्तर का जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जब सरकार ने उसे एक्सेप्ट करा तो सबसे पहले 2 अक्टूबर
क्योंकि वो गांधी जी का दिन है, गांधी जी स्वराज के साथ, पंचायती राज के साथ उनका विशेष लगाव था। तो 2 अक्टूबर 1959 यानी फिर 1959 में मैं कहूंगी कि ये जो रिकमेंडेशन है ये लागू की गई और हमारे देश में हमारे राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायत राज की स्थापना होती है पूरे देश के। तो बहुत हमारे लिए एक विशेष ये इम्पोर्टेंट बात जी है, हाँ, क्योंकि इसने राजस्थान को पूरी जितनी भी पीपल्स मूवमेंट है, जितनी भी डेमोक्रेसी की मूवमेंट है, उसमें सुनहरे अक्षरों में नागौर के माध्यम से राजस्थान ने अपना नाम रोशन किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी मैम कि अभी अगर हम देखें तो चुने हुए नुमाइंदों की संख्या जो इस एक्ट के माध्यम से हमारे पास हुई है, लगभग 2,40,000 हमारे चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और अगर उसमें महिलाओं की बात करें तो 1.4 मिलियन जो है महिलाएं किसी ना किसी पदाधिकारी के रूप में राजस्थान के पूरे देश भर की पंचायतों में चुनी हुई हैं। और पूरे दुनिया में ये इलेक्टेड नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा भारत में होता है। इसी यही वो कारण है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुझे लगता है बनाता है। जब बात महिलाओं की हो रही है और उनके रिप्रेजेंटेशन की हो रही है तो एक एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। और आप कह रहे हैं कि काफी जगह रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की रही है, तो इसके बारे में आप हमको थोड़ा और जानकारी दें कि किस तरह से महिलाओं को आगे लाया गया। क्योंकि अगर हम गाँव की बात करें तो ज्यादातर महिलाएं उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रही, किसी भी तरह के कोई अगर संशोधन करना है, किसी भी तरह का विचार विमर्श करना है या कोई भी विकास की अगर बात हुई है, तो पहले महिलाओं का उसमें इतना ज्यादा रोल नहीं होता था। कैसे पंचायती राज के आने से, कैसे उनके स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन से आज महिलाओं का इतना उत्थान हो रहा है और इतना एम्पावरमेंट हो रहा है? आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैं कहना चाहूंगी जो ये पंचायती राज है ये केवल और केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चराइजेशन नहीं था, ये सोशल रीस्ट्रक्चरिंग भी थी। किसी ना किसी कारण से हमारी जो पैट्रियार्किकल सोच है उसकी वजह से महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले, शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसने सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम को तोड़ा, क्योंकि इसने महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे के उनका इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंश्योर करा और साथ ही साथ सोसाइटी में उनका स्टेटस भी इंश्योर करा। हमारी जो ये 73वीं संविधानिक संशोधन है 1992 की, उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि एक तिहाई सीटें पूरी और पूरी महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाए, जिससे क्या होगा कि कम से कम आप ये इंश्योर करेंगे कि एक तिहाई महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तो वो मुद्दे जो महिलाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उसको एक नई दिशा देंगी। और इससे जो महिलाओं को जो अभी तक हीन भावना से देखा जाता था, जब वो पॉलिसी सर्कल में आएंगी उनका एम्पावरमेंट होगा, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आएंगी, तो अपने आप से उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में और उनके प्रति जो सोच है वो सोच बदलेगी। तो ये सोशल री इंजीनियरिंग का काम पंचायती राज ने बाखूबी करा है। और हमारे लिए और भी बड़े गर्व की बात है कि एक तिहाई तो सरकार द्वारा, संविधान द्वारा ये निश्चित सीट है, लेकिन अगर हम पंचायती राज सरकार की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें 50% के आसपास की जो महिलाओं की भागीदारी है वो अलग अलग राज्यों में निश्चित हो रही है। तो ये भी एक बहुत गर्व का बात है कि हमने लोकतंत्र को वास्तविक सही मायनों में लोकतंत्र बनाया है। दिकुल, क्योंकि अगर देश की आधी आबादी को उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो वो लोकतंत्र अपने मायने खो देगा। और लोकतंत्र को मायने अगर किसी ने सही मायने में दिए हैं भारत में तो मुझे लगता है वो 73वां संविधानिक संशोधन। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत ही, मतलब मुझे खुद को गर्व महसूस होता है आज हम यहाँ पे बैठे हैं, एज इतने आगे बढ़कर हम बात कर रहे हैं। आप वाइस प्रिंसिपल हैं एक कॉलेज की और इतने अच्छे अपने सब्जेक्ट को आप जानती हैं, तो आप कितने बेहतर तरीके से और उन लोगों को बता सकती हैं। और इसी तरह से महिलाएं जो जुड़कर जो घर और परिवार को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकती हैं वो डेफिनेटली देश के विकास में बहुत मदद कर सकती हैं। जब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो उसके त्रिस्तरीय जो उसका तरीका है उसके बारे में हम जानते हैं, तो कैसे ये काम करता है, कैसे ये 3-tier सिस्टम वर्क करता है, क्या है ये 3-tier सिस्टम? एक्चुअली जब बलवंत राय मेहता जी ने ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिव्यू के में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3-स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की और वही भारतीय सरकार ने अपनाई और हमारे 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमने उसको लागू किया। इसमें गांव पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर कुछ गांव का समूह बना के ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति और फिर हर एक जिले में जिला परिषद। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि तीनों स्तरों के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाएंगे, और जो चेयरमैन है
वो राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है कि वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगी पर अप्रत्यक्ष रूप से। पर ये तीनों स्तर के लोग जब लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे तो वास्तविक मायनों में लोकतंत्र को जिंदा करने की जो ताकत है वो ये तीन स्तरीय पंचायती राज सिस्टम हमें देता है। और इसमें भी खूबसूरत बात यह है कि उसमें महिलाओं के लिए, राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए अलग अलग तरह के प्रावधान रिजर्वेशन के माध्यम से किए गए हैं, तो सबको एक समुचित सहभागिता देते हुए ये पंचायती राज सिस्टम काम करता है। और इसमें जिला परिषद का जो काम है बेसिकली वो एडवाइजरी रहता है, लेकिन पूरे के पूरे जिले की जो प्लानिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम भी साथ में रहता है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है जो वास्तविक रूप में लोकतंत्र का सबसे अद्भुत उदाहरण है वो है ग्राम सभा आर्टिकल 243, जिसकी व्यवस्था करता है कि प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति जो 18 साल का है और वोट दे सकता है, भारत का उस गांव में भारत का नागरिक है, वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम पंचायत जो भी कार्य करेगी उसके कार्यों की समीक्षा, उसको सुझाव देने का काम ग्राम पंचायत करेगी। तो पंचायत में तो फिर भी लिमिटेड लोग चुने जाएंगे, लेकिन ग्राम सभा में हर एक गांववासी की भूमिका जो सुनिश्चित होगी, तो मुझे लगता है एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से जब सारे ग्राम सभा में सभी अगर आ सकते हैं 18+, जैसा कि आपने कहा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, 18+ होने के बाद आप अपने विचार उसमें अगर रख पाएंगे तो हर एक व्यक्ति डायरेक्टली जुड़ गया है सिस्टम से। और जब वो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ गया तो उसकी अपनी जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी है, उसको वो सॉल्व कर सकता है। जब पंचायती राज सिस्टम जो है वो वर्क किस तरह से करता है, जैसे ये त्रिस्तरीय जो आपने बताया तरीका है, उसके बाद ये काम कैसे करता है, कैसे किस तरह के मामलात हैं जिनको वो हैंडल करता है, चाहे वो प्रगति के बारे में हो, विकास के बारे में हो, और क्या ऐसी चीजें हैं जो पंचायती राज के अंदर आती हैं। एक्चुअली 73वें संविधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, जिसमें 29 ऐसे विषय हैं जो पंचायतों को दिए गए हैं। आप इन विषयों की सूची देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि वास्तविक रूप से समग्र विकास जो है वो पंचायतों के पास है। हम रोड की बात कर लें, हम एजुकेशन जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ और सैनिटेशन की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, इरीगेशन की बात कर लें, फिशरीज की बात कर लें, और तो और कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर लें, ये सारे विषय जो है पंचायतों के पास होते हैं। पंचायत गांव स्तर पे पंचायत पंच और सरपंच मिलके इसका निर्णय जो है इन मामलों को करते हैं। और हर संविधान के द्वारा तो हालांकि ये कहा गया है कि हर स्टेट इसमें से कुछ विषय जो है अपनी पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे और उन विषयों के ऊपर वहाँ के सरपंच और पंच मिलके आपस में निर्णय लेंगे। हमारा जो ये गांवों का जो विकास है, जिस तरह से इसको सोचा गया, जिस तरह से आपने कहा कि बलवंत राय मेहता जी ने इसको थॉट दिया कि कैसे हम एकदम छोटे से छोटे लेवल पर जाकर और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब जब हम आज के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो यूथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ यूथ इनकॉर्पोरेटेड होगा वो हम जाते हैं उनका एक नया विजन, एक नया तरीका, एक काम करने की नई स्टाइल और एक नई एनर्जी के साथ यूथ कार्य करता है। तो कैसे यूथ को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे जोड़ा जा सकता है, इस किस तरह से इसमें काम हो रहा है? आप देखेंगे कि जैसे जैसे पंचायती राज जो है सशक्त होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पंचायतों को दिए जा रहे हैं, तो उनका एक प्रेस्टीज इन्हांसमेंट हो रहा है। सब लोग मान रहे हैं कि अब पंचायतों को उस नज़र से नहीं देखा जाता जो आज से काफ़ी समय पहले देखा जाता था। अब सब लोग पंचायत को एक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और बड़े यूथ जो हमारी जिनका राजनीतिक में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बेसिकली अब पंचायत को अपने पहले पायदान के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें अनुभव भी मिलता है कि किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार से नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है। इसका सशक्त उदाहरण एक हमारे राजस्थान में मिलता है, छवि राजावत जो एक यंगेस्ट सरपंच है पूरे भारत की। वो IIM अहमदाबाद से पास होने के बाद जब कोई विदेशों में नौकरी करने चले जाता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाता है, उसके बाद भी उन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो पंचायत को चुना। पंचायत में उन्होंने इलेक्शन फाइट किया और वो जीती, और उसके बाद उन्होंने पूरे गांव की जो दशा है वो बदल के रख दी। तो इस तरह के उदाहरण सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में आ रही है, और उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी केस स्टडीज कर रही हैं कि कैसे यूथ की भूमिका से भारत की सरपंचों में, पंचों के रूप में जब यूथ इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे पंचायती राज को एक नया दिशा और दशा मिल रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत सक्षम
तरीका है यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने का, क्योंकि वास्तविक रूप से गांव का विकास तभी होगा जब गांव का यूथ अपने गांव के विकास के लिए काम करेगा, ना कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। और ये पूरा का पूरा जो स्कोप है उसे पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन देता है, इसलिए पंचायती राज युवाओं को देश की राजनीति में सक्रिय रूप से समग्र रूप से जोड़ने के बहुत प्रभावी साधन पैदा हो सकता। तो ये बहुत ब्रेन ड्रेन गांव से न होकर IIM लखनऊ जैसे आपने कहा, या इतने बड़े जो संस्थान हैं जो कि वहाँ से इतना ब्रेन अगर गांवों में जाकर काम करेगा, अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी में न जो कि वो ये सोचेगा कि मैं गांव में अपने गांव के विकास में अपने देश के विकास के बारे में सोचूं, तो डेफिनेटली उसका एक बहुत ही अच्छा और एक नया रूप सामने आएगा और एक नई तरह से विकास उस जगह का होगा। बिल्कुल मैम, जैसे पहले हम देखते थे कि जो सरपंच है वो एज में काफ़ी बड़े लोग होते थे, लेकिन आजकल हम बहुत यंग सरपंच को देख रहे हैं। इसका मतलब यूथ का इंटरेस्ट जो है वो पंचायती राज में विकसित हुआ है, और ये इंटरेस्ट जब उनका पैदा हो गया तो निश्चित रूप से के कुछ अच्छे परिणाम देश के सामने आएंगे, लोकतंत्र के लिए भी, राजनीति के लिए भी और सामाजिक जीवन के लिए भी। बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से यूथ साथ में आए हैं, मेरे ख्याल से गांव का हर एक ग्रामीण किस तरह से पंचायत से जुड़ा है, कैसे वो आपने बताया कि अपनी बात वहां सामने रख सकता है, तो इसका भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी रोज की जो रोजमर्रा की समस्याओं से लेकर विकास की नई बातों तक अपनी बात कह सकता है। एक्चुअली सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से जितने भी कार्य पंचायत करती है तो उसका जो रीवैल्यूएशन होता है, इसका इवैल्यूएशन जो होता है वो गांव का प्रत्येक आम आदमी करता है। तो गांव ने, पंचायत ने क्या काम किया, क्या वो वास्तविक रूप से हुआ, उसका वास्तविक रूप से क्या आउटपुट रहा, ये पूरी की पूरी पावर अब गांव के लोगों के पास है। वो तय करेंगे कि पंचायत ने कितने सक्षम तरीके से काम किया। तो अगर उनका अगली बार इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, तो वापस उन्हें उन्हीं लोगों के बीच में जाना पड़ेगा जो उनके काम का इवैल्यूएशन करते हैं। तो मुझे लगता है वास्तविक रूप से लोगों को जो सशक्त कर रहा है वो पंचायती राज सिस्टम कर रहा है, और उसके भी द्वारा सोशल ऑडिटिंग और ग्राम सभा का जो ये अनुपम संगम है इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था का, ये लोकतंत्र को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के रास्ते पे बहुत आगे लेके जाने वाला है। जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ मेरे ख्याल से एक ट्रूली डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें इस तरह से जब सारे लोग मिले हैं तो लोकतंत्र को एक नया आयाम मिलता है, इस तरह से हम साथ में जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम जो है, जो हम कहते हैं विकास का जो आधार है, बहुत सारे आज़ादी से लेकर अब तक इसमें कई सारे रिफॉर्म्स आए होंगे, तो क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं जो इसमें ऐड हुए जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रांग बना और आज की तारीख में एक इतना ही पावरफुल ये सिस्टम है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो 73वां संविधानिक संशोधन है वो अपने आप में एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था जी। क्योंकि इसने ये सुनिश्चित कर दिया कि अब जो गांव की पंचायत है वो भारत की सरकार का एक मुख्य अंग है, किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की याचना के ऊपर वो निर्भर नहीं करता, ये संविधानिक हिस्सा है और इनका जो निर्माण है वो हर राज्य को करना पड़ेगा। और दूसरा, उसमें जो कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं, कुछ मैंडेटरी फंक्शंस हैं और कुछ फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट अपनी इच्छा के साथ लोगों को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन जितना हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही है, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन दर इलेक्शन जो ये विषयों की संख्या है ये ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को ट्रांसफ़र की जा रही है। उसके लिए जो हमारा केंद्र सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो भी अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहा है कि किस तरह से हम उनके फंड्स को बढ़ा सके। तो चैलेंजेस को ओवरकम पंचायती राज सिस्टम कर रहा है, और उसमें यूथ और वीमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है ये इसको सामाजिक रूप से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन हमें पंचायती राज में देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि राजस्थान सरकार ने भी अपने 11 जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं वो पंचायती राज को दी है। तो जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाएगी, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब प्रत्येक राज्य सरकार ये 29 के 29 विषय पंचायतों को सौंप देंगी, और उस दिन वास्तविक रूप से देश में पंचायती राज दिवस सही अर्थों में मनाया जाएगा और लोकतंत्र घर घर तक पहुंच जाएगा। कि बहुत ही आपने खूबसूरत ये बात कही कि सारी चीज़ें अगर उनके उस परव्यू में आ जाएं, उनके अंडर में आ जाएं, किस तरह से वो काम करेंगे, छोटी छोटी डिटेलिंग का पावर अगर उनके पास हो तो डेफिनेटली वो अपनी जो समस्याएं हैं या जो अपनी और आगे बढ़ने की जो उनकी वो रीजंस हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो शिक्षा से लेकर हो, चाहे वो किसानी खेती से लेकर हो, चाहे वो हम एनिमल्स से लेकर हो, तो किस तरह से हर एक डीपली हर कॉन्सेप्ट को रीड किया जा सकता है, समझा जा सकता है और उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका देखा जा सकता है।
तो और इसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह से पंचायती राज ने आज हमारे को जो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा कि जो विकास का आधार है, ग्रामीण विकास का आधार पंचायती राज, इसके बारे में आप हमें और कुछ बताएं। बिल्कुल, ग्राम जो है, गांव जो है, वो देश के विकास का आधार है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट पंचायत का कॉन्सेप्ट भी भारतीय सरकार लेके आई है। और कुछ पंचायत जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करा है, पूरी की पूरी जितने भी 29 काम जो राज्य सरकार द्वारा उनको दिए जाएंगे, उसमें से जितना भी हिस्सा, उसको बखूबी निभाया है। तो एक मॉडल जो स्मार्ट पंचायत का मॉडल जो अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने स्तर पर खड़ा किया है, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बेहतर संदेश लेके जाएगा पूरे भारत की जनता तक कि अगर हमारी पंचायत अपने दिए हुए कामों को बहुत अच्छे से पूरा कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी गांववासी को अलग अलग ऑफिसेज के चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी। तो नौकरशाही के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, उसका एक बेहतर विकल्प है ये पंचायती राज। पंचायती राज में जितने काम है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी व्यक्ति के डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। उसके रोजमर्रा के जीवन में इन मुद्दों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, हर मसला पंचायती राज के पास है। जिस दिन उनके पास पूरे फंड्स जो है केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से आ जाएंगे और उनको पूरी ऑटोनॉमी और दी जाएगी, मुझे लगता है वो निश्चित रूप से भारत का एक सुनहरे इतिहास का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही कि अगर पावर्स कुछ और इनकॉर्पोरेट हो जाएं, वैसे अभी आज की तारीख में भी जो हम आज़ादी से पहले और अब तक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये सिस्टम हुआ है, आगे बढ़े हैं हम, और इसके साथ साथ और भी कुछ राइट्स और कुछ उनको ड्यूटीज़ और मिल जाएं, तो ये और ज़्यादा बेटर इसको करा जा सकता है, हो सकता है। जब हम पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, और क्या चीज़ आप इसमें कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बारे में, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ये दिन जो है वो केवल और केवल न्यूज़पेपर और जो संचार के दूसरे माध्यमों तक ना सीमित रहे, बल्कि स्कूल में भी, जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसमें भी यूथ को इस दिवस की महत्वता के, इसके महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, गर्व का क्षण है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले इस देश में सबसे बड़े लोकतंत्र कहने का अगर कोई दावा कर सकता है और कोई भारत को ये अधिकार देता है, तो वो पंचायती राज व्यवस्था है। और इस पंचायती राज व्यवस्था को सिर्फ गांव के लोग नहीं जाने, शहर के लोग भी जाने, उसको जाने, उसमें समझे और उस पर गर्व महसूस कर सके। किस तरह से यूथ उसके साथ और जुड़ सकता है, किस तरह से महिलाएं उसके साथ और जुड़ सकती हैं, और उसके साथ साथ उनकी किस प्रकार से और ज्यादा ट्रेनिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में हो सकती है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ये दिन जो है पूरे गौरव के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ हमारा पूरा देश सेलिब्रेट करे, सिर्फ गांव नहीं, क्योंकि गांव के साथ ही देश बनता है। गांव देश की आत्मा है, अगर आत्मा खुश है, आत्मा झूमेगी, तो अपने आप से देश झूमेगा, ऐसा मुझे मानना है मैडम। बहुत बहुत डॉक्टर डेजी, आपने एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बात कही कि ये स्कूल और कॉलेज लेवल तक भी सबको बताया जाना चाहिए किस तरह से पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है। हालांकि हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली उसको बात करना, उसके बारे में समझाना स्कूल और कॉलेज में, इसकी बात होने से इसको और ज़्यादा विंग्स मिलती हैं और ज़्यादा नया एक विकास का आयाम मिलता है। इन सभी इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए, इन बातों के लिए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो आपने और यहाँ पे बताए, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।